Very good morning students, how are you all? I hope that you all are fine and staying at your home. So today in this video, in this lecture, I am going to improve your communication skills. जैसे कि मैंने आपको पिछली टू वीडियोस में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया था कि वो क्या होती हैं और हमें किस तरीके से अपने आम बोलचाल की भाषा में इन सेंटेंसेस को, इन छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करना है, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज कुछ नए सेंटेंसेस को जानेंगे। आज हम टोटल 12 सेंटेंसेस जानेंगे जिनको कि हम कैसे और कब यूज़ करें, ये भी मैं आपको बताऊँगी। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सिट, मतलब कृपया बैठ जाए। व्हेन एनी गेस्ट इज कमिंग एट अ होम, जब कोई भी गेस्ट आपके घर आते हैं, या फिर आपको कभी भी किसी को ये बोलना है कि क्या प्लीज़ आप बैठ जाइए, तो आप उस चीज़ को कैसे बोलेंगे? प्लीज़ सिट, कृपया बैठ जाइए। कभी कभी क्या होता है, जो स्विचेस होता है, फ़ैन है, लाइट है, बल्ब है, इनको स्विच ऑन करना होता है, मतलब ऑन करना होता है और ऑफ़ करना होता है, तो इस चीज़ को कहने के लिए हम कैसे बोलेंगे? स्विच ऑन द लाइट और स्विच ऑन द फ़ैन, स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द कूलर, इसका मतलब कूलर ऑन कर दीजिए, एसी ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन कर दीजिए या फ़ैन ऑन कर दीजिए। और इसी को जब हमें अपोजिट बोलना है, जब हमें ये बोलना है कि इसको ऑफ़ कर दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? स्विच ऑफ द फ़ैन और स्विच ऑफ द लाइट, स्विच ऑफ द बल्ब, स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द कूलर, जो भी हमें बंद करवाना है। अच्छा, नेक्स्ट है ड्रिंक वाटर। ड्रिंक वाटर का मतलब पानी पीजिए। गर्मियों का सीज़न है, हमें वैसे भी पानी पीना चाहिए, तो अगर हमें किसी को ये बोलना है कि पानी पीजिए, तो हम कैसे बोलेंगे? ड्रिंक वाटर। अच्छा, अब इसमें आप ऐड कर सकते हैं नेम जिसको कि आप बोल रहे हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं ड्रिंक वाटर मामा, या फिर आप ये प्लीज़ भी लगा सकते हैं, प्लीज़ ड्रिंक द वाटर मामा। नेक्स्ट है शट द डोर, दरवाजे को बंद करना है अगर, तो हम इसको ऐसे बोलेंगे प्लीज शट द डोर, दरवाजे को बंद कर दीजिए। सिमिलरली अगर हमें इसे ओपन करना है, तो हम इसको बोलेंगे प्लीज़ ओपन द डोर। अब हम कुछ भी इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर हमें ये बोलना है कि खिड़की खोल दीजिए या खिड़की बंद कर दीजिए, तो खिड़की को हम इंग्लिश में बोलते हैं विंडो, तो हम इस चीज़ को ऐसा बोल सकते हैं कि प्लीज़ ओपन द विंडो और शट द विंडो। अगर हमें किसी से ये बोलना है कि आप जल्दी ठीक हो जाइए, सपोज़ कोई बीमार है, किसी के सिर में दर्द हो रहा है या किसी को फीवर है, और अगर हम उन्हें विश करना है कि आप जल्दी ठीक हो जाइए, तो हम इस चीज़ को कैसे बोल सकते हैं? गेट वेल सून। नेक्स्ट है बी हैप्पी। बी हैप्पी का मतलब खुश रहिए। तो अगर आपको किसी को ये बोलना है कि अब आप खुश रहिए, तब आप क्या बोल सकते हैं? बी हैप्पी। नेक्स्ट रियली। रियली का मतलब होता है क्या सच में या सचमुच। जब हमें किसी चीज़ को देख के आश्चर्य होता है, या फिर हमें किसी से ये बोलना होता है कि क्या सच में, तब हम इस चीज़ को बोलते हैं रियली। कभी कभी जब आपका वर्क डन हो जाता है, काम आपका कंप्लीट हो जाता है, आपका लंच कंप्लीट हो जाता है, आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपका रिटर्न वर्क कंप्लीट हो जाता है, आपका गेम कंप्लीट हो जाता है, या आपका टीवी देखने का टाइम कंप्लीट हो जाता है, तो आप इस चीज़ को बोलेंगे आई हैव डन, मीन्स मैंने कर लिया, आई हैव डन। नेक्स्ट है कट द नेल्स, मतलब अपने नाखून काट लीजिए। अगर आप अपने छोटे भाई बहन के, बड़े भाई बहनों के नेल्स देखेंगे बड़े हुए, और अगर आपको उनको ये कहना है कि आप अपने नेल्स कट कर लीजिए, तो आप इस चीज़ को कैसे बोलेंगे? कट द नेल्स। कई बार आपसे कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जिसके बारे में आपको कुछ पता नहीं होता है, कुछ आइडिया नहीं होता है, तब आप उस चीज़ को किस तरीके से बोलेंगे? आई डोंट नो, मतलब कि मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं मालूम है। सो इन दिस वे यू कैन स्पीक फ्यू सेंटेंसेस इन योर डेली कम्युनिकेशन स्किल्स, इन योर डेली कम्युनिकेशन आप इनको यूज़ कर सकते, और आप जिनसे भी ये बोलेंगे तो दे विल बी डेफिनेटली हैप्पी एंड दे विल डेफिनेटली अप्रिशिएट यू फॉर स्पीकिंग द सेंटेंसेस इन इंग्लिश। सो आपको अब क्या करना है, आपको इसको घर में नॉर्मल बात करने में, बोलने की प्रैक्टिस करनी है अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में।
So I hope that you like the video. Thank you and have a nice day. Bye bye.